क्या, चलिए तब क्लास स्टार्ट करते हैं आज का, है ना। तो एक काम कीजिए, आप लोग म्यूट हो जाइए, जब आपका बोलने का बारी आएगा तभी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आंचल, आप देखिए, आज हम लोग क्लास में हम लोग वही दो दो वर्ड बोलेंगे कि ये दो वर्ड हम सीखे हैं, और उस वर्ड से सेंटेंस बना के सुनाएंगे, ठीक है। ओके यस चलिए फिर आंचल आप स्टार्ट कीजिए। और देखिए एक मिनट बेटा, बाकी लोग सब जो है, जब बाकी दूसरे लोग बोल रहे होंगे तभी ध्यान दीजिएगा, काहे कि आपका जो अपना सीखे हो तो सीखे ही है, दूसरा लोग जो बोल रहा है उससे भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबको ध्यान दीजिएगा भाई, एकदम सुनिएगा। हाँ चल बोलिए बेटा। Today's my two words are understand and cover. ओके Understand. I understand. Who understand me? I don't think I understand. Try to understand. Really, I can't understanding you. And cover. एक मिनट रुक जाइए, Cover. एक मिनट रुक जाइए। आपने जो लास्ट सेंटेंस कहा, रियली आई के नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, तो आप बोलेंगे रियली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है। और या फिर आप बोलेंगे रियली आई कांट अंडरस्टैंड, उतना पे ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है बोलिए। And cover your eyes. When I'm going to outside, I will cover my face. Don't judge a book by its cover. I don't cover it. I don't cover your books. I will always cover my books. बहुत बढ़िया, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए कन्हैया के बच्चे लोग के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आंचल ने क्या किया ना, कि दो वर्ड चुना, उसका बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाया, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंड मतलब समझना, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आई डोंट थिंक आई कुड अंडरस्टैंड यू, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट। तो ये सब सिंपल सिंपल सेंटेंस था, ठीक है। तो हमेशा कोशिश वही करेंगे कि कोई भी वर्ड पकड़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे, उस पर चार पांच सेंटेंस सिंपल बनाएंगे। बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने का टेंशन नहीं लेना है, छोटा छोटा सेंटेंस से काम हो जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आंचल और कोई है आंचल के साथ में, दीपक या नंदिनी कुमारी, अच्छा ठीक है, हम फिर आंचल से दोबारा पूछेंगे। चलिए कृष्ण मोहन भी ज्वाइन कर गए हैं, पूजा मौर्या नाम से कौन है, आंचल का ही तो नंबर वो, राइट, दीपक कुमार। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो अभी दीपक के पास भी आएंगे गुड बेटा। इवनिंग सर, गुड इवनिंग कृष्ण मोहन। तो आप लोग दोनों म्यूट हो जाइए, एक बार कन्हाई के बच्चों का सुनते हैं भाई, वहाँ पे बहुत से बच्चा लोग लाइन लगा के बैठा है। हम आते हैं, दीपक आपके पास भी आते हैं बेटा, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए, अब यहाँ पे एक एक बच्चा एक एक करके बोलेगा, और बाकी लोग जब एक बोल रहा होगा तो दूसरा लोग सुनेगा, ठीक है, ताकि जितना सुनिएगा उतना सीखिएगा भाई, ठीक है। हम भी दूसरों से सुन सुन के ही सीखे हैं, इसलिए आप लोग को वही बोलेंगे। चलिए अतुल आप शुरू करेंगे, यस सर। बोलिए। सर मेरा दो वर्ड है, यू और आई। नहीं यू और आई नहीं चलेगा, यू और आई का बहुत बार हो गया भाई। आर यू और आर, नहीं यू तो नहीं चलेगा, आर भले चला सकते हैं, यू और आई और मी और ही और शी और दिस दैट बहुत बार हो गया है, ठीक है। वी और आर, हाँ वी और आर, अच्छा देखिए, आपको हम एक उदाहरण देते हैं, आपको एकदम सिंपल वर्ड सुनाते हैं, ठीक है। आप उस पर बनाएंगे सेंटेंस, आपके लिए दो वर्ड है, एक वर्ड है स्कूल, ठीक है, ठीक है, एक वर्ड है स्कूल, दूसरा वर्ड है स्टडी, ठीक है। स्कूल और स्टडी दो वर्ड है अतुल आपका, अब इससे आप हमको सुनाइए। स्कूल और स्टडी, स्कूल इज बेस्ट, स्कूल इज द बेस्ट है। ओके और बताइए। अच्छा ठीक है अतुल, आपको हम दो वर्ड दिए ना, आप जाके थोड़ा सोचिए इसको, ठीक है। आप एक अभी कुर्सी छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ के पीछे चले जाइए,
दूसरा बच्चा को गाने आगे दीजिए, जब आप तैयार हो जाएंगे तो सुनाइएगा। चलिए दूसरा बच्चा आ जाइए भाई, अतुल आप तैयार हो के आइए। आप नहीं नहीं अभी अभी आप सोचिए, खाली सोच लीजिए, सेंटेंस बना लीजिए चार पांच, फिर आगे बताइएगा। अभी आपका नंबर आएगा बाद में। हाँ अभी दूसरा बच्चा आइए भाई। बोलिए आपका वर्ड क्या है? दे। दे भी हो गया था पहले। और कुछ देखिए, नहीं देखिए थोड़ा सा, पूरा सप्ताह भर में 15-20 मिनट तो लगाना पड़ेगा ना, इस क्लास के बाहर भी थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस क्लास का फायदा कम होगा फिर। तो सोचिए, आप बहुत सारे वर्ड जानते होंगे आप, खाली आपको याद नहीं आ रहा है। सोचिए, आपको दो वर्ड दें, आपको दो वर्ड दें। यस सर। ठीक है, आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं बताइए, फिर हम आपको उस हिसाब से बताएंगे वर्ड। सेवेंथ में है, ठीक है। तो आपका क्लास, आपका वर्ड होगा नाइस। आपका वर्ड होगा नाइस, मतलब अच्छा, ठीक है, NICE, है ना। एक वर्ड हुआ नाइस भी हो चुका है। नहीं अभी कोई बात नहीं, हो गया है तो होने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोटा बच्चा लोग है इसलिए हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नाइस, एक वर्ड हुआ आपका नाइस। दूसरा वर्ड होगा डेंजरस, मतलब खतरनाक। सर आप मेरे को स्कूल और क्या बोले थे? स्कूल और स्टडी। देखिए आपको जो बताए, अपना अपना वर्ड याद रखिएगा भाई, फिर हम भूल जाएंगे, हमको याद नहीं रहेगा, बहुत सारा बच्चा है यहाँ पे। आपका वर्ड है नाइस और डेंजरस, मतलब खतरनाक, ठीक है। आपका नाम बेटा भूल गए, शिवानी कुमारी है ना? सालनी हो, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, याद रहेगा, दो चार बार आइएगा तो क्लास में याद रहेगा फिर, ठीक है। तो सालनी आपका वर्ड नाइस और डेंजरस आपको बता दे रहे हैं, याद रखिए, और इस पे चार पांच सेंटेंस बनाइए, बना करके फिर आप सामने कुर्सी पर आ जाइएगा, ठीक है, जब तैयार होंगे तब। अभी दूसरा बच्चा आइए भाई सामने। हाँ और देखिए भाई, एक बार ध्यान रखिए, हम मैथिली बुझे छिए, तो मैथिली में कुछ गड़बड़ कीजिए तो हम समझ जाएंगे भाई। हाँ बुझलिए, ओके। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मैथिली बोल रहे हैं लोग। अच्छा चलिए, आप तैयारी बिना किए जो लोग आए हैं उनको काम लगाएंगे थोड़ा सा, आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। देखिए बिना तैयारी के क्लास में आइएगा ना, बहुत कम फायदा होगा फिर। दीज भी हो गया है, दीज भी हो गया है, दीज भी पिछले क्लास में हुआ है। आप कौन सा क्लास में बताइए तो आपको हम वर्ड देते हैं। क्लास टू में है ना आप, तो आपका वर्ड है, आपका वर्ड है कम, ठीक है, कम मतलब आओ, ठीक है। और दूसरा वर्ड है आपका ट्राई, आपका वर्ड है ट्राई मतलब कोशिश करना, और कम मतलब आना। ये दोनों वर्ड पे चार पांच सेंटेंस बनाइए, उसके बाद सामने कुर्सी पे आइएगा। अभी सामने कुर्सी छोड़ दीजिए, दूसरा बच्चों को आने दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए अब दूसरा बच्चा, कम और ट्राई, कोशिश करना। हाँ अतुल अभी सामने कुर्सी छोड़िए भाई, दूसरा बच्चा आइए सामने, देखिए लक्ष्मी कुमारी का तैयारी कितना है आज। नहीं नहीं तो अभी आप लोग हमको मैथिली का प्रैक्टिस कराइए तो कैसे होगा, अभी हम लोग अंग्रेजी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। बदमाशी नहीं करना भाई। हाँ चलिए दूसरा बच्चा, बोलिए भाई। हाँ लक्ष्मी, मुंह आपका नहीं दिख रहा है, मुंह दिखाइए भाई। हाँ शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, वैसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे शर्माने की कोई बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो आपका आपका वर्ड क्या है? एक
इट हो गया, इट भी नहीं चलेगा। द भी हो गया, हाँ वी भी हो गया, वी भी हो गया। आप कौन सा क्लास में हैं? सेवन में है ना। देखिए आप लोग, देखिए बेटा ये सब जो वर्ड है ये सब बच्चा क्लास में हो जाता है। बोल रहे हैं ये सब जो वर्ड आप बोल रहे हैं ना, सब बच्चा क्लास में होता है, तो ये सब आप जानते हैं पहले से। तो नया वर्ड सुनाइए भाई कुछ। वी भी हो गया। विल, देखिए विल जो है ना वो ज्वाइन करने वाला वर्ड है, वो अपने आप में, आप विल से स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत है, समझ रहे हैं? तो आपको आपको भी दो वर्ड देते हैं, आप भी तैयारी करके सेंटेंस बना के आइएगा, ठीक है? आपका वर्ड है, आपका वर्ड है, आपको आपके पसंद का वर्ड देते हैं, ब्यूटीफुल और अगली, ठीक है? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत, ठीक है? किसी के बारे में नहीं बोलेंगे लेकिन ये वर्ड का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, जो भाग गया उसके लिए कोई बात नहीं, जो जिसको नहीं पढ़ना चाहते हैं या जिसको अभी मजा नहीं आ रहा है उसके लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, जब तक मजा नहीं आए। कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ एक बार सुनिए। हाँ बोलिए भाई, एक बार में एक बच्चा, एक साथ नहीं, किससे? कम से, कम से एक सेंटेंस बोले। यू कम हियर, यू कम हियर, ही इज कमिंग टू माई प्लेस। कम का हो गया ना। यू कम हियर, यू कम टू माई हाउस, यू कम टू स्कूल, यू कम टू माई फार्म, ठीक है? वर्ड नहीं, सेंटेंस, सेंटेंस। वर्ड मतलब शब्द होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, समझ गए? तो आप पहले तैयार होके आइएगा भाई, आप तैयार नहीं है तो हम लोग टाइम सबका बचाएंगे, है ना? ठीक है, तो आप तैयार कीजिए आपका वर्ड पे सेंटेंस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अभी आपको म्यूट कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखते हैं कि दीपक और कृष्ण मोहन क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए दीपक बोलिए बेटा, फिर हम कृष्ण मोहन के पास जाएंगे। एंजॉय एंड हियर, ओके। The first word enjoyed. We enjoyed summer vacation. I enjoyed talking with him. I never enjoyed in a film. I never enjoyed a enjoyed film. when Huh. you Okay. enjoyed when you can a eardrum when you must. नहीं पीछे बोलिए, ये सेंटेंस पीछे। Enjoyed when you can live and you when you just नहीं देखिए सेंटेंस हमको एकदम साफ नहीं सुनाई पड़ा, फिर से बोलिए। Enjoyed when you can and you when you must देखिए आप, आपका सेंटेंस है एंजॉय व्हेन यू कैन, ठीक है? मतलब तभी मजा कीजिए जब भी आप मजा कर सकते हैं। एंड अगला वर्ड था एंड्योर, ENDURE, राइट? हाँ, एंड्योर द मोस्ट, वही था ना? ओके, तो देखिए इसको, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा एंजॉय व्हेन यू कैन एंड एंड्योर द मोस्ट, ठीक है? हाँ नहीं, लेकिन आपका देखिए सेंटेंस आप अच्छा बनाते हैं, और आई लाइक योर नो अप्रोच, ठीक है? चलिए आप दूसरा वर्ड बोलिए भाई। सर ही दे लिव्ड हर एज चिल्ड्रेन। दे लिव्ड हियर एज चिल्ड्रन, ओके। यस सर। बट माइग्रेट हियर इन मई। फिर से बोलिए। बर्ड माइग्रेट हियर इन मई। हम नहीं समझ पाए, आपको उसका स्पेलिंग बोलना पड़ेगा। बट
माइग्रेट, MIGRATE. माइग्रेट. यस सर. हाँ, बट माइग्रेट हियर इन माई, हियर इन माई, MAY. इन मे. ओके, तो ये सेंटेंस हो जाए आपका, दे लिव्ड हियर इन, लिव्ड हियर एज चिल्ड्रन बट माइग्रेटेड हियर इन मे, है ना. तो देखिए आप थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सा हिंदी में सोचिए कि आप बोलना चाह रहे हैं कि वो जब बचपन में वो लोग यहाँ पे रहे थे लेकिन माइग्रेट कर गए, मतलब किसी और जगह चले गए कुछ समय के बाद, या मान लीजिए कोई महीना में आप बोल रहे हैं. सो दे लिव्ड हियर एज चिल्ड्रन बट माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस इन मे, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. आई एम हियर टू हेल्प यू. आई एम हियर टू हेल्प यू. वेरी नाइस. थैंक यू सर. हाँ, बहुत बढ़िया दीपक. देखिए आपका अच्छा चीज़ क्या है ना कि आप तैयारी करके आते हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई लाइक. ठीक है, जो भी बच्चा तैयारी करके आता है, सोच के आता है, आप सेंटेंस लिखते भी हैं तो वो भी अच्छा चीज़ है कि आपको एक कंट्रोल रहता है कि आपको क्या बोलना है नहीं बोलना है. धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप देखिएगा टाइम के बाद में, जैसे आप थोड़ा बड़े होंगे या थोड़ा मेहनत और भी होगा, तो आप देखेंगे कि आप जो भी बोल रहे हैं बिना कुछ लिखे बोल पा रहे हैं. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू गेट टू दैट स्टेज, है ना. ओके, बहुत बढ़िया बेटा. म्यूट कर दीजिए. अभी हम जाते हैं कृष्ण मोहन के पास. बोलिए बेटा. आप म्यूट पे हैं. आपका आवाज ब्रेक कर रहा है. फिर अभी ये जो मतलब आपका पीछे विंडो है. हाँ हाँ. मतलब आप अमेरिका में है क्या? हाँ हाँ, अभी यहाँ पे ही हम. हेलो. हाँ हाँ हाँ, हम यहाँ पे ही हैं. अभी यूएस में ही हैं हम. हम इस शनिवार को निकल रहे हैं यहाँ से. अच्छा, ठीक है. So the two words from which I will make sentences are disturb and prevent. Disturb and prevent. Okay. So the first word from which I will make sentences are disturb. Okay. She disturbed him when he was studying. He disturbed her when he was singing. तो देखिए आपने कहा he disturbed her when he was singing. तो आपने disturb किया उस लड़की को जो जो गाना गा रही थी, right? So he disturbed her when she was singing. ठीक है. हाँ, नहीं नहीं, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं और कोई बात नहीं. हाँ. A boy came and took me with him. Therefore I was disturbed because I was studying. बहुत बढ़िया. He disturbed him while he was eating food. बहुत बढ़िया. So now going to make sentence for prevent. Okay. So my first sentence is we should prevent our things. Second sentence is she prevent his bed while running. She prevent her bag while running. Okay. Now my third and last sentence is he prevent her in an accident. तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड का यूज, हाँ, इसका थोड़ा सा यूज करेंगे. ही प्रिवेंट हर व्हेन इन एन एक्सीडेंट, प्रिवेंट नहीं होता वहाँ पे, वो सेव्ड हो जाता है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा. ठीक है. ही सेव्ड हर इन एन एक्सीडेंट. प्रिवेंट होता है जब आप किसी को रोक लेते हैं, मतलब वो दुर्घटना होने से पहले का चीज़ है. सो ही प्रिवेंटेड हर फ्रॉम एन एक्सीडेंट. इन एन एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब इन एन एक्सीडेंट का मतलब हुआ कि वो हो चुका है. ठीक है, तो आप प्रिवेंट नहीं कर पाए. सो ही प्रिवेंटेड एन एक्सीडेंट, और ही प्रिवेंटेड हर और सेव्ड हर फ्रॉम एन एक्सीडेंट. फ्रॉम लगाएंगे तो होने से पहले का चीज हो गया वो. ठीक है, बढ़िया. लेकिन बेटा आपका सेंटेंसेस देखिए, एक अच्छा चीज क्या है कि आप बिना देखे बोल रहे हैं. सो यू आर थिंकिंग एंड स्पीकिंग विच इज नाइस. मतलब आपका
आपका दिमाग जो है उस हिसाब से उसको प्रोसेस कर रहा है, विच इज़ वॉट आई वॉन्ट एवरीबडी इन माई नो क्लास टू लर्न एक्चुअली, ठीक है? तो उससे उससे हमको कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे कि आंचल बोल रही थी सी डिड नॉट हैव टू रेफर एनीथिंग, वैसे आप भी बोल रहे हैं आपको कुछ रेफर नहीं करना पड़ रहा है। तो आप लोग यू हैव कम टू अ स्टेज जहाँ पे कि आप अपना दिमाग से काम लेते हो, कागज़ कलम का जरूरत नहीं पड़ रहा है। शुरू में पढ़ता अगर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इट्स गुड दैट नो यू आर एबल टू स्पीक ऑन द फ्लाई, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक सब अरे यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा, यू आर रियली डूइंग वेरी गुड, आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई एम जस्ट प्रेजिंग यू फॉर वॉट यू आर डूइंग, ठीक है? बाकी सभी बच्चों के लिए एक एक छोटा सा एक टिप है आज के लिए कि हम लोग जब मेड बोलते हैं, मेड जो है उसका तीन वर्ड बनता है। आप जैसे मेड एम ए डी ई बोलेंगे तो मतलब कुछ बनाना, एम ए आई डी बोलेंगे तो मेड मतलब डोमेस्टिक हेल्प, जो घर में काम करने वाली बाई लोग आती है वैसे, ठीक है? और एम ए डी मैड बोलेंगे तो पागल। तो उसका तीनों का प्रोनाउंसिएशन जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैड बोलेंगे पागल, जब बोलना है तभी मैड बोलेंगे, मैड मैड, ठीक है? और जब मेड मेड और मेड मतलब एम ए डी ई और एम ए आई डी जो है उसका उच्चारण काफ़ी हद तक सेम ही होता है, आपको मेड बोलेंगे, मेड मतलब बना दिया आपने, ठीक है? मेक से मेड, ठीक है? तो मेड और मैड उसका उच्चारण में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए आप लोग, ठीक है? ये मतलब एक जैसा सुनने में लगता है लेकिन उसका मतलब बहुत बदल जाता है अगर ठीक से उच्चारण नहीं हो तो, है ना? हाँ कृष्णमोहन आप कुछ बोल रहे हैं? सर ये होमोफोन से ना? हाँ सर ये जो आपने अभी तीन वर्ड्स बोले वो होमोफोन से ना? हमको इसका टर्म याद नहीं है ठीक से, हो सकता है आप देखना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग अलग अलग होता है और हाँ, तो क्या लेटर्स भी अलग अलग होते। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। होमोफोन्स होमोफोन्स ओके। स्पेलिंग स्पेलिंग बताइए। अच्छा होमोफोन्स ओके। हाँ होमोफोन्स करेक्ट करेक्ट, नहीं याद, जो आप वही बोल रहे हैं, हम बोले हम तो अभी सिर्फ यूज करते हैं, हमको क्या बोलते हैं ग्रामर पार्ट याद नहीं रहेगा, तो इसलिए आप लोगों से पूछ के हम सीख लेते हैं फिर से, हम क्योंकि हम भूलते हैं, राइट? हिंदी में इसको बोलते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, आप लोग जानते होंगे शायद से, हमको वो याद है क्योंकि बहुत मुश्किल से याद हुआ था। तो दैट इज़ करेक्ट, आपने जो बोला होमोफोन्स दैट्स वर्ड। हाँ आपका आवाज़ ब्रेक कर रहा है बेटा, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, आप चाहे तो वीडियो ऑफ कर दें तो शायद सुनाई पड़े। हाँ बोलिए। हिंदी में उसको होमोफोन्स को हिंदी में बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में एक जैसा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, मीनिंग अलग होता है। हमको याद है इसलिए कि हम लोग जो बचपन में ऐसे ही इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए याद किए थे। ओके चलिए ठीक है, कृष्ण मोहन के पास से जाते हैं अभी। पूजा मौर्य हमको लगता है वहाँ पे, हाँ कन्हाई के में जाएंगे बेटा एक बार। पूजा मौर्य वहाँ पे हमको लगता है नंदिनी कुमारी रेडी हैं शायद से, कुछ बोलना चाह रही है। यस सर। बोलिए बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are present and take. क्या क्या? Present and take. Okay. How many students are present in the school? इसको बोलेंगे present. Present बोलते हैं, ठीक है? Present. ठीक है? Yes. How many students are present in the school? Okay. और बोलिए। बुक ठीक है,
योर मतलब आपका किताब लेना चाहते हैं ना। बोलिए। यस यू कैन टेक माय बुक। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। नंदिनी कुमारी भी दूसरा क्लास में है, बट हम नंदिनी कुमारी से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। वो हर बार क्लास में आती है और अच्छे से बोलती है, तो हम चाहते हैं सब बच्चे जो है ऐसे ही आकर के क्लास में प्रेजेंट करें। एक मिनट रुकिएगा, कोई ओके ठीक है। चलिए भाई अभी कन्हैया एजुकेशन में आते हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन तैयार है? ठीक है सुनाइए भाई। स्कूल इज माय फेवरेट प्लेस। माय फेवरेट प्लेस, बहुत बढ़िया। माय स्कूल स्टूडेंट इज वेरी डिसिप्लिन। तो देखिए इसको बोले माय स्कूल स्टूडेंट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड। इज नहीं होगा सर। इज नहीं होगा, क्या कि स्कूल में बहुत सारा बच्चा रहता है ना, इज होता है एक के लिए, आर होता है बहुत लोग के लिए। तो आप बोलेंगे इधर देखिए, आप हमको सिर्फ सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से आपको आसान लगेगा। माई स्कूल्स स्टूडेंट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। माई स्कूल स्टूडेंट आर वेरी डिसिप्लिन्ड। हाँ, और देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी का मजा तब है जब आप इसको धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। अगर जल्दी में बोलिएगा तो गड़बड़ी भी होगा और आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो एकदम फिर से बोलिए, जैसे हम बोल रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। माई स्कूल्स, स्कूल नहीं बोलके स्कूल्स, क्योंकि स्कूल का बोलना चाह रहे हैं, है ना, स्कूल्स। हाँ, माई स्कूल्स स्टूडेंट्स, 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 क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आर आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड बस हो गया, आसान था। तो थोड़ा धीरे बोलिए, देखिए आपको उसका लगेगा, मजा आएगा। फिर बोलिए स्टडी पर बोले। हाँ ठीक है, आपने स्कूल पे बोल दिया दो तो चलेगा, आप स्टडी भी बोलिए। माय स्टडी रूम इज वेरी क्लीन। बहुत बढ़िया। स्टडी इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। स्टडी इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। आराम से, जल्दी कोई नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा क्लास खत्म होने से पहले। क्लास खत्म होना होगा तो गूगल बता देगा कि भाई क्लास खत्म होने वाला है, ठीक है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। बोलिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए अतुल, आपने 10 मिनट कोशिश किया, बनाया ना, और जो जो वर्ड मैंने आपको दिया था ये वर्ड भी आपको पता था, ये आप नया नहीं सीखे हैं, है ना। तो आपको खाली 5 मिनट सोचना पड़ेगा बेटा कि हमको आज क्या बोलना है। आई मी ही द सी वो सब नहीं बोलेंगे, बहुत बार हो गया है, कुछ नया बोलेंगे। उसमें आपका स्वार्थ क्या है कि आप कुछ नया बोलेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना। तो इसलिए आप इस बार नहीं, नहीं आपको देखिए, आप उस दिन आप आगे बढ़ेंगे जिस दिन कि आप खुद से करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबको सुन मौका सबका सुनते हैं पहले एक बार। आप सोचिए, हो सकता है आप अगर कोना में जाके बैठेंगे तो आपको अलग से दो वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, सब दिमाग का खेल है, किसी को मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सोचेंगे ना तो आएगा। थोड़ा ठंडा दिमाग से बैठिएगा ना, बहुत सा चीज़ आएगा, ठीक है। तो अभी और लोग से भी सुन लेते हैं एक बार पहले, है ना। और देखिए यहाँ पे क्लास में है तो अभी मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आप अपना ही बनाइए, और लोग का भी सुनिए, देखिए वो लोग क्या वर्ड बोल रहा है, उसको कैसे बोल रहा है, उसमें भी सीखने का होगा। हाँ हाँ, जो जो अच्छा आपका हो गया तो आप सामने वाला कुर्सी छोड़ दीजिए, दूसरा बच्चा जो तैयार है वो आगे आ जाएगा। सर एक ब्यूटीफुल का वर्ड बताइए ना। आप पहले सामने तो आइए, सामने वाला कुर्सी पे जो बच्चा बैठा है उसको उसको बोलिए, उसका जब नंबर आएगा तब आगे आने के लिए। हाँ सर, मैं लक्ष्मी। हाँ हाँ लक्ष्मी, आप लोग का नाम धीरे धीरे याद हो जाए बेटा। बैठिए, बैठ जाइए पहले, बैठ जाइए पहले, पहले बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए। बोलिए एक वर्ड आप बोले थे ना, ब्यूटीफुल का सर बड़ा गया। अरे बहुत आसान है ना। हाँ बहुत आसान है, हम बना कर।
सुनाइए, बनाए तो सुनिए, सुनाइए पहले ना, सुनाएंगे फिर हम उसमें कुछ सुधार करना हो तो करेंगे फिर। और आप लोग हाँ हाँ बोलिए। ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, ब्यूटीफुल डांस, ओके। तो देखिए ये थोड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस उसको वाक ही बनाएंगे ना, थोड़ा सा वाक ही बनाइए। अब मान लीजिए कि आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई लाइक ब्यूटीफुल थिंग्स, वैसे ही आप दो चार सेंटेंस सुनाइए। माई हाउस इज ब्यूटीफुल, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं और बोलिए, अरे और बोलिए, हम तो सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, आप लोग सेंटेंस तो आप बनाइएगा, और बोलिए और सोचिए। हाँ, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, दिस क्लास इज ब्यूटीफुल, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलिए। नहीं आप पता नहीं, आपका आपके पास आएंगे बेटा, एक बार पहले लक्ष्मी कुमारी का खत्म हो जाए दोनों वर्ड, उसके बाद फिर आते हैं आपके पास भी। तो देखिए लक्ष्मी, आपको यहाँ पे बेटा हम जैसे जैसे कि अतुल को बोले ना कि दो मिनट के लिए सिर्फ मन को शांत करना है, ठीक है, पढ़ाई का मतलब मन को शांत करना, कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता जो बोलते हैं हिंदी में, वैसा चाहिए। दो मिनट के लिए सिर्फ मन को शांत करेंगे, सोचेंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हड़बड़ी नहीं, थोड़ा आराम से आराम से आराम से। देखिए आपको मान लिया आपकी सहेली है, बोलेंगे यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, माई मदर इज़ ब्यूटीफुल, वो भी बोल सकते हैं, हर किसी को अपनी मम्मी अच्छी लगती है, राइट। आप बोले माई मदर इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, माई स्कूल इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, आई हैव अ ब्यूटीफुल काव, वो भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ वो आप बोल सकते हैं, कोई लड़की हो अगर तो उसको बोल सकते हैं, है ना। नहीं वही बोल रहे हैं कि जो लड़का रहेगा तो वहाँ पे लड़का लड़के के लिए ब्यूटी लड़की के लिए ब्यूटीफुल बोलते हैं, तो लड़के के लिए हैंडसम हो जाता है वो, ठीक है। तो अगर कोई लड़के को बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहे हो अगर, तो बोलेंगे यू आर अ हैंडसम बॉय, ठीक है, ओके। यस सर, यू आर माय ब्यूटीफुल मदर। हाँ, यू आर माय ब्यूटीफुल सिस्टर, माई ग्रैंड मदर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, कुछ भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अगले बार बेटा आप लोग को ही बोलते हैं, अगले बार जब आइएगा दो वर्ड सोचिए, दो वर्ड जरूर सोचिए, अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा ना तो अपने घर में किसी से पूछिए कि भाई हमको दो वर्ड बताओ कौन सा बोलें, और वो दो वर्ड पे लेके पाँच मिनट बैठिए कागज़ कलम लेके कि भाई इस पे हमको अगर मेरा वर्ड है ब्यूटीफुल या मेरा वर्ड कुछ भी है उसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में पाँच वाक्य बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, फिर हम उसको बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए जितना पाँच मिनट का मेहनत है वो करना पड़ेगा, लिखिएगा ना फिर उसको बोलिए, किसी को सुनाइए, मिरर के सामने आईना के सामने जाके खुद को ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते बोलते धीरे धीरे कर देखिएगा ना कि वो जो डर होता है ना वो ख़त्म होने लगेगा और तो आपको मजा आएगा फिर, ठीक है। ठीक है, आपका दूसरा वर्ड क्या था? अगली, अगली मतलब आपका दूसरा वर्ड था अगली। हाँ उस पर सुनाइए। अगली पे जैसे ब्यूटीफुल बनाए वैसे अगली बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगली का स्पेलिंग होता है UGLY, ठीक है, अगली मतलब बदसूरत। चलिए अब बना के आइए, दूसरा बच्चा को सामने भेजिए भाई। रुकिए सर, द अगली नहीं, यू आर एन अगली बॉय, अगर किसी से लड़ाई हो गया तो आप बोल सकते हैं यू आर एन अगली बॉय, आई डोंट लाइक अगली थिंग्स, दिस पेन लुक्स अगली, है ना, देयर वॉज अ वेरी अगली लुकिंग एनिमल, आई डोंट
आई डोंट लाइक अगली गर्ल, आई एम नॉट एन अगली गर्ल, वैसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आई एम नॉट अगली गर्ल, आई एम नॉट वेरी अगली गर्ल. नहीं नहीं देखिए, हाँ नहीं, वो होगा ही, वो भी है. दूसरा है कि यहाँ पे किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे, देखिए सेंटेंस बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है? हम किसी को यहाँ पे किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलना चाह रहे हैं. तो इसका सिर्फ मतलब ये जानना है कि कैसे इसका यूज होता है. आप किसी को बोलिए यू आर एन अगली बॉय, उसको बुरा लगेगा. हम लोग सिर्फ बनाने सीख रहे हैं, ठीक है? तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर नॉट एन अगली बॉय, यू आर नॉट एन अगली गर्ल, दिस हाउस इज नॉट सो अगली, है ना? यू आर यस नहीं बोलेंगे, यू आर अगली बॉय से यस हो जाता है, यस वो छुपा हुआ है उसमें, ठीक है? ठीक है, नहीं कभी नहीं बोलना भाई, वो आप मत बोलिए भाई, ये बहुत पाप है, ये नहीं बोलना चाहिए. सेंटेंस सही है लेकिन ये कभी नहीं बोलिएगा, एकदम गलत बात. हाँ नहीं नहीं वही बोल रहे हैं कि तो दिमाग पे जोर डाल के दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन माँ बाप के ऊपर हमला नहीं करेंगे भाई. घर खाना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा घर में. ठीक है चलिए, अच्छा आप अच्छा कोशिश किए बेटा. एंड अभी आप थोड़ा सा डेली आप 5 मिनट, 5 मिनट के लिए भूल जाइए सब कुछ आपके आसपास क्या हो रहा है. 5 मिनट बैठ के ना दो बार सोचिए, सेंटेंस बनाइए हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कीजिए, दो चार बार प्रैक्टिस कीजिए डेली, 5-10 मिनट की सिर्फ कीजिएगा ना. देखिए अगला क्लास में जब आप आइएगा तो आपका अच्छा तैयारी रहेगा फिर, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम. चलिए अगला बच्चा आ जाइए भाई सामने. बोलिए बेटा. सर मेरा नाइस पर है. ओके. माय मॉम इज नाइस. माय स्कूल इज नाइस. माय फ्रेंड्स इज नाइस. माय फ्रेंड्स आर नाइस. और एक हुआ तो हाँ इज नाइस चलेगा. माय ब्रदर्स आर नाइस. बहुत बढ़िया. माय फादर, माय फादर इज नाइस. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. अब हो गया. अब दूसरा वर्ड क्या था? अब डेंजरस. डेंजरस, डेंजरस है ना. Smoking is dangerous. Dangerous, correct. Wine is dangerous. Okay. Gun is dangerous. Okay. बस इतना ही सर. बहुत बढ़िया, देखिए आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाया, ठीक है? तो अब जरूरी नहीं है कि शुरू में हम बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएं, छोटा छोटा 3-4 वर्ड का सेंटेंस भी होता है. आपने कहा ना मंकी इज डेंजरस, गन इज डेंजरस, है ना? तो वैसे ही छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, एक बार वो हौसला हो गया ना उसके बाद बड़ा सेंटेंस भी बनाएंगे, ठीक है? सर अब हम बोले हम बना लिए. अच्छा और ठीक है, तो इसका सर मुझे भी दीजिए 2 सेंटेंस. नहीं नहीं अभी आप सोचिए, वही अभी आप सोचिए, वही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको देखिए हम देंगे ना तो ये हो जाए टास्क देने जैसा, कि होमवर्क दिए सर तो आप डर के मारे करेंगे. अगर आपको मजा आ रहा है, आप खुद से सोचेंगे ना, तब ज़्यादा उसका असर होगा, ठीक है? हम बच्चों को परेशान करने वाला पढ़ाई नहीं कराते, हम चाहते हैं बच्चों को मजा आए. आप लोग अगर मेरा साथ हाँ हाँ तो मज़ा, जब आपको मजा आने लगेगा ना पढ़ाई में तब फिर हमको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तब आप लोग अपने से पढ़ने लग जाइएगा. इसलिए हम वो कोशिश वही करते हैं, ठीक है? आप अपने सोचिए, 5 मिनट देखो, 5 मिनट डेली अपने लिए निकालिए, ठीक है? 5 मिनट के लिए भूल जाइए आपके आसपास कुछ हो रहा है. सोचिए कि भाई 2 वर्ड हम कौन सा सुनाएं जो कि पहले नहीं सुनाए हैं, ठीक है? तो किताब ही खोल लीजिए ना, अंग्रेजी का किताब भी तो होगा आप लोग, खोल लीजिए उसी में से कोई वर्ड ढूंढ लीजिए, उसी पे सेंटेंस बना दीजिए, है ना? चलिए बढ़िया, चलिए अतुल बोलिए बेटा. सर मेरा 2 वर्ड है डू और प्लीज. ओके. डू से डू यू स्पीक इंग्लिश. ओके. डू नॉट टिकल. Do not tickle. Tickle. Tickle.
गुदगुदी वाला चीज। हाँ उसके बाद प्लीज, हाँ प्लीज कीप क्यूट, कीप क्वाइट, क्यूट मतलब होता है प्यारा, क्वाइट मतलब होता है शांत, तो प्लीज कीप क्वाइट। और सर प्लीज गेट इन, प्लीज गेट इन, ओके हो गया सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला कौन आ रहा है भाई, कौन तैयार है अभी? तो आ जाइए सामने, सामने आ जाइए मैदान में एकदम। हाँ सुनाइए भाई। सर कम से एक चार वर्ड बोलना चाहते। वर्ड वर्ड नहीं है, सेंटेंस है, काम अपने आप में वर्ड है। हाँ सेंटेंस बोलते हैं, बोलिए। कम यू हैव ए, नहीं सर, यू हैव ए कम, यू हैव टू कम, या यू हैव कम। देखिए अंतर क्या है, यू हैव कम मतलब तुम आ गए, यू हैव टू कम मतलब तुमको आना है ना? रुक जाइए पहले एक बार शिवम का सुन ले कहानी क्या है। yes, sir. हाँ बोलिए। You have to come. Okay. And, sir, हाँ हाँ you come in place. क्या क्या फिर से बोलिए। Come eat play नहीं होगा। Come to play. हाँ। House. Come to my house. ठीक है? Okay. Come to my house. हाँ। Come to my house. Come to my school. Come to my playground. Come to my farm. कुछ भी हो सकता है। और बोलिए। May I come? हाँ और देखिए जल्दी बेटा एकदम नहीं है, आराम से बात करेंगे। May I come? ठीक है और बोलिए। Come in here, नहीं सर, नहीं। Come here. हाँ ठीक है। क्या फिर से बोलिए। कम आर स्टूडेंट, नहीं नहीं कम आर नहीं, स्टूडेंट्स हैव कम। आप बोल रहे हैं कि बच्चे आ गए ना, स्टूडेंट्स हैव कम, ठीक है, स्टूडेंट्स हैव कम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शिवम, देखिए बेटा आपने बहुत अच्छा किया आज, आप क्या किए, 5 मिनट आप शांति से बैठे और कुछ बाकी बनाए। सही गलत होना कोई पाप नहीं है, ठीक है, गलत हो सकता है, गलत होना भी चाहिए, गलती से ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो आपने जाके कोशिश किया, कुछ सेंटेंस बनाया, हमको लगा जहाँ पे कि उसका करेक्शन करना है हम कर दिए, आपको भी उससे मज़ा आया। तो यही 5 मिनट बेटा आपको डेली, यही 5 मिनट लगाना है आपके लिए, ठीक है। 6 महीना अगर ऐसा कोशिश कीजिएगा, हम और आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे, ठीक है। यस सर, ठीक है, ओके, यस सर, बहुत बढ़िया। मैथिली में तो देखिए, मैथिली तो आपका पक्का हो गया है, तो मैथिली के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है इसके लिए मेहनत करने का जिसको कि मजबूत करना है ना? यस सर, ओके ठीक है, बढ़िया होता। आपका दूसरा वर्ड क्या था सर? हमारा दूसरा वर्ड हम ही भूल गए। बढ़िया, अच्छा कोई बात नहीं, अगला बार आप अपने से दो नया वर्ड सोचिएगा, आपको खुद से समझ में नहीं आया तो किसी से पूछ लीजिए, घर में पापा मम्मी भाई बहन किसी से भी पूछ लीजिए कि भाई हमको दो वर्ड बताओ, साधारण वर्ड बताओ, उस पर हम वाक्य बना के सुनाएंगे क्लास में। डेली वो करिए, डेली वो 5 मिनट बेटा अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 5 मिनट, ठीक है। आपको हम अंग्रेज नहीं बनाना चाह रहे, हम चाहते हैं कि आप अंग्रेज लोग से बात कर पाए, समझ गए, एकदम धड़ल्ले से, जैसे मैथिली में बोलते हैं वैसे अंग्रेजी में बोल पाएंगे तब मजा आएगा, ठीक है। सर हम आर्मी बनेंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे। क्या बनेंगे? आर्मी। हाँ हाँ वहाँ पे भी जरूरत पड़ता है। आप चाइना बॉर्डर पर जाइएगा, चाइनीज लोग को समझाइएगा तो कैसे समझाइएगा, तो मैथिली समझेगा नहीं, तो उसको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा ना फिर। यस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।
चलिए भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं, हमको थैंक यू बोलना चाहिए, जब बच्चा लोग मेहनत करते हैं हमको बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, अरे सिखाते हैं, हम तो आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा बच्चा कौन है भाई? किससे? दिस देखिए, दिस दैट तो बहुत बार हो चुका है ना, तो अभी हमको अपना अपना पकड़ मजबूत करना है ना, तो हमको और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा वो सब वर्ड से जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं जोड़ेंगे, नया वर्ड नहीं जोड़ेंगे ना, तो देखिएगा कि आपको तरक्की दिखेगा नहीं, फिर लगेगा कि जितना थे उतना ही जान रहे हैं। तो कुछ कुछ नया डेली दो वर्ड, इसलिए बोलते हैं कि डेली दो नया वर्ड ढूंढिए, नहीं मिले तो किसी से पूछ लीजिए, फिर उस पर वाक्य बनाइए, उसको बोलिए। एक सप्ताह में, हाँ हमको भी याद नहीं बेटा, हम तो सबको दिए थे, हमको मेरा तो उम्र भी हो गया, हम तो भूल जाते हैं। नहीं, बाद में कर लें बेटा, अभी क्लास खत्म होने वाला है, मेरा मीटिंग भी शुरू होगा अभी। ठीक है, तो मेरा काम, मेरा तो काम अभी दिन हुआ है ना, अभी काम शुरू होगा अभी। दोस्त पे आप बना सकते हैं, बना के रखिएगा आप। आप बोलिए, आप दो तीन वर्ड सुना, देखिए दो वर्ड क्या चीज, डू का भी एक ऐसे, एक बच्चे ने डू पे सुनाया ना, डू पे सुनाया एक ऐसे, अतुल ने सुनाया। तो देखिए, जो सुना चुका है उससे उसके अलावा कीजिए, ताकि मतलब नहीं तो कुछ नया जुड़ते रहे, आपका आपका डिक्शनरी में नया चीज़ जुड़ता रहेगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए एक ही वर्ड को सब कोई करेगा अगर, तो आपका नया वर्ड जुड़ेगा नहीं, और अंग्रेजी का ताकत उसी में होता है कि आप कितना वर्ड जानते हैं और कितना वर्ड उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर अंग्रेजी मजबूत करना है ना, तो आपके पास बहुत सारा वर्ड होना चाहिए आपके डिक्शनरी में, जो कि आप बहुत आराम से यूज़ कर पाते हैं, समझ रहे हैं। ओके सर, आप जाइए, आप अपना मीटिंग करिएगा। हाँ भाई, नौकरी बहुत जरूरी चीज़ है। चलिए चलिए, बाय बाय बाय, गुड नाइट। चलिए चलिए, बाय 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 बच्चों, चलिए बाय बाय, चलिए बाय 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 बाय। ओके सर, बाय। चलिए बाय बाय सर, बाय।